हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एकता, होप यू आर ऑल गुड। टुडे आई एम शोइंग यू हाउ टू अचीव दिस ब्यूटीफुल ग्लैम लुक विद द फॉलोइंग सिंपल स्टेप। विदाउट डिले लेट्स गो इनटू द वीडियो। इस वीडियो में जो भी मैं मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। और मैंने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है अपने स्किन पे प्राइमर, फर्स्ट स्टेप प्राइमर का है। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर अप्लाई कर लीजिए। मेरी ऑयली स्किन है तो मैं यहाँ पे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ कर रही हूँ टी जोन एरिया में। उसके बाद हम अपने प्राइमर अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम कंसीलर यूज़ करेंगे, अपने फेस को अच्छे से कंसील करेंगे जहाँ पे भी हमारे पिगमेंटेशन एरिया है फेस पर, उसको अच्छे से कंसील करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं मामाअर्थ का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो शेड नंबर है मेरा आमंड ग्लो। यहाँ पे हम जो फाउंडेशन है वो मैं ब्रश के थ्रू या आप किसी भी कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आप पूरे फेस पे एक साथ फाउंडेशन अप्लाई नहीं करेंगे, हाफ ऑफ पोर्शन करके हाफ ऑफ फेस पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर एक साथ आप पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो ड्राई हो सकता है और अच्छे से ब्लेंडिंग में फिर प्रॉब्लम देगा। इसके बाद हम कॉन्ट्योर करेंगे। कॉन्ट्योर हम इसलिए अपने फेस पे करेंगे क्योंकि हमें अपने फेस को एक शेप देना है और हमें अपने फेस के फीचर्स को डिफाइन करना है, तो इसलिए हम कॉन्ट्योर करेंगे। हम चीक्स पर करेंगे, फोरहेड पर करेंगे, नोज को करेंगे, जॉलाइन को अच्छे से करेंगे। अब इसकी जो ब्लेंडिंग करेंगे, हम जो चीक्स की जो ब्लेंडिंग है वो हम अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, ऊपर की साइड में, और हेयर को हेयर से टच करते हुए करेंगे। ऐसे करेंगे, ऐसे ब्लेंडिंग करेंगे जो नेचुरल इफ़ेक्ट दे, हमें ज़्यादा हार्श स्ट्रोक नहीं रहने देंगे फेस पे, प्रोमिनेंट नहीं लगना चाहिए कि हमने फेस पे कोई स्ट्रक्चर दिया, एकदम नेचुरल सा इफ़ेक्ट आना चाहिए। और जो भी जॉ लाइन का ब्लेंडिंग होगा वो डाउनवर्ड एरिया में होगा। अब हम ब्लशर अप्लाई करेंगे। ब्लशर को हम कॉन्ट्योर के जस्ट ऊपर के एरिया में अप्लाई करेंगे, चीक बोन पे वहाँ पे उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। फिर हम ब्यूटी ब्लेंडर से, और हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। जो भी हम फेस पे हम प्रोडक्ट ब्लेंड करेंगे या जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे ना, तो हम उसे ड्रैग मोशन में, हम उसे डैबिंग मोशन में ही अप्लाई भी करेंगे और ब्लेंड भी करेंगे, हम उसे ड्रैग नहीं करेंगे। अगर हम ड्रैग करेंगे तो जिससे हमारा फेस का जो बेस है वो बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा वो, तो हम डैबिंग मोशन में ही उसे ब्लेंड करेंगे अच्छे से। अब हम पाउडर से अपने फेस को लॉक करेंगे, मतलब जो भी हमारा बेस है उसे अच्छे से लॉक कर देंगे कि जो हमारा बेस खराब ना हो। उसके बाद हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं पाउडर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, तो जो भी हमारे हाई पॉइंट्स हैं हम वहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करेंगे, जैसे चीक बोन, नोज रिज, क्यूपिड, फोरहेड। अब हम आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले मैंने एक फ्लफी सा ब्रश लेके उसमें मैंने पिंक कलर लिया है, जो मैं अपने पूरे आईलिड पे एक सर्कुलर मोशन में उसे क्रिएट करूँगी, एक लाइट सी क्रीज क्रिएट करूँगी, क्रीज को डिफाइन करूँगी। बहुत ही लाइट कलर अप्लाई कीजिएगा, डार्क शेड मत लीजिएगा पिंक का, पिंक का कोई भी लाइट शेड ले लीजिएगा। उसके बाद मैंने एक डार्क शेड लिया है, मोव का डार्क शेड लिया है, जो मैंने आउटर कॉर्नर में अप्लाई किया है, और फिर एक उससे डार्क शेड, पर्पल का डार्क शेड लेके मैंने पूरी आईलिड पर अप्लाई किया है। उसके बाद शिमरी शेड लेंगे, जो हम अपनी आईलिड के इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। अगर आप ब्रश से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं शिमर शेड को, तो आप फिंगर से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्रो बोन को हाईलाइट करेंगे। अभी मैं लाइनर की सिर्फ एक थिन लाइन अप्लाई करूँगी। मैं आईलैशेस लगाने के बाद फुल लाइनर, विंग लाइनर अप्लाई करूँगी। अब हम आईलैशेस लगाएंगे। आईलैशेस पे ग्लू लगाने के बाद हम डायरेक्ट उसे अप्लाई कर देंगे, 2 सेकंड उसे ड्राई करेंगे, फिर अप्लाई कर देंगे हम उसे।
आप एक स्मॉल मिरर में देख के ध्यान से उसे अप्लाई कीजिएगा। दोनों आईलैशेस अप्लाई करने के बाद आप विंग लाइनर लगाएंगे। मैं हमेशा लाइनर आईलैशेस लगाने के बाद ही अप्लाई करती हूँ, मुझे विंग लाइनर या जो भी लाइनर अप्लाई करना होता है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं, आप उसे पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब हम अंडर आई करेंगे। अंडर आई में पहले डार्क कलर अप्लाई करेंगे और लाइट कलर से फिर हम उसे मर्ज कर देंगे। उसके बाद हम आईब्रोज करेंगे, आईब्रोज को अच्छे से हम फिल करेंगे। यहाँ पे मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, पहले कॉम करेंगे फिर उसे अच्छे से फिल कर देंगे। कॉम करने के बाद फिर हम टियर डक को हाईलाइट करेंगे। टियर डक को हाईलाइट करने के बाद लिप लाइनर अप्लाई करेंगे, लिप को एक आउटलाइन देंगे। लिप लाइनर के बाद हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम सेटिंग स्प्रे अप्लाई करने के बाद दैट्स द फाइनल लुक। आई होप यू गाइज लव दिस ग्लैम लुक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।